नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज हम बात करें केंद्रीय विद्यालय का जो आया है नोटिफिकेशन, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी है, और अब देख सकते हैं ग्रेजुएट टीचर प्राइमरी टीचर्स के लिए ये आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। नॉन टीचिंग के लिए भी, तो सारा आप अपने हिसाब से आप कर लेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला जो है आपका, जैसे आप मान लीजिए टी जी टी का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो मैक्सिमम ग्रेजुएट है यही भर पाएंगे। तो जैसे ही आप इसे लिंक पे आपका ये लिंक हुआ नहीं, तो अब फिर से रिफ्रेश करके ये पेज आप, मैं आपको ये लिंक आपका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसमें जनरली बच्चे इसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएट इसे भर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ करेंगे, आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। आप यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी डिटेल, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, देखने बाद यहाँ आपको टिक मार्क करना है और क्लिक है टू प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे, ये सारा डिटेल आपको पहले पूछा जाएगा। ये बेसिक डिटेल है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप देख सकते हैं, फिर लोकल एड्रेस, कंफर्म एड्रेस। करने के बाद पासवर्ड एक आपको जनरेट करने पड़ेगा। पासवर्ड में आपका ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होना चाहिए, और कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और डिजिट भी इस्तेमाल करके कैपिटल आप बनाएंगे यहाँ पे अपना पासवर्ड। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहुँच गए हम हमारे पर्सनल डिटेल सेक्शन में। इसमें आपको देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये कंफर्म आपका फिर से लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपने अप्लाई किया है। तो उसके बाद नेशनलिटी, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं कि नहीं, इसको तो आपको नो करना है। कैटेगरी आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, क्या है, किस कैटेगरी में हैं आप। जो आप डिसेबल्ड हैं तो इसको नो करना है, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो येस करना है, नहीं तो नो। एक सर्विसमैन है तो नो करना है। आपको अपनी आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे शरीर में कोई दाग या मोल हो तो उसको लिखना है। मैरिटल स्टेटस आपको करना है, सिंगल है, वीडियो है, क्या है, तो सिंगल लेके कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट पेज पे, ये पर्सनल डिटेल का सेक्शन है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद पर्सनल सेक्शन आएगा, उसमें ये सारे डिटेल्स होंगे आपके। पर्सनल डिटेल्स के बाद अब आपको आएगा अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर्स डिटेल्स। ये देख सकते हैं इसमें क्या करना है आपको। पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के एलिजिबल हैं आप अपना देख लें, और उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बाद आप इसे यहाँ देख सकते हैं क्या है। इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, संस्कृत, मैथ, ये सब सारे आपके, ये प्रेफरेंस आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर्स आपको पूछे जाएंगे, ये सारे एग्ज़ाम सेंटर चॉइस पूछे जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आप भरना चाहते हैं। तो पहला आप स्टेट भरेंगे, बगल में उसका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप झारखंड में जैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपको झारखंड के कुछ सेंटर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कहाँ पर एग्ज़ाम होगा। इस तरह आप फिर से दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे सेकंड चॉइस, तो ये देखिए इस तरह करके आप, आपको सारे सेंटर्स यहाँ फिल करने हैं। दूसरे स्टेट का भी ऑप्शन आएगा, पूछा जा रहा है आपको प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी में, तो यस हाँ दोनों में, टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों पूछ रहा, तो हाँ करेंगे आप। हिंदी इंग्लिश है आपके पास नॉलेज, तो ये भी हाँ करेंगे। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये भी यस करेंगे आप। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फैक्ट्री है आपके पास, अगर आपके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अप्लाई एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ जाइएगा। इसमें आपको अपने लिखना है, देखिए जो आपका है उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स जैसे खोलेंगे ये आएगा कुछ। पास आपको करना है, पास स्टेटस में, कोर्स स्ट्रीम क्या है आपके पास, तो जैसे मैंने वो सब्जेक्ट किया है तो यहाँ दिखा रहा है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम राइज यूनिवर्सिटी, यस। मोड आप परसेंटेज कर देंगे या CGPA जो है आपका।
इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ईयर पूछा जा रहा है कब पास करनी है, इसको भरने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद केवीएस एम्प्लॉयमेंट है सीटीईटी डिटेल्स पूछा जाएगा। तो आर यू एम्प्लॉय केवीएस, तो नो करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय तो यस। सीटीईटी पेपर डिटेल, आर यू क्वालिफाइड, नो। सिक्योरिटी पिन, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए जाएगा। फोटोग्राफ आपका 10 से 200 केबीपीएस के भी, और सिग्नेचर 4 से 30। तो ये फॉर्मेट है आपका केवीएस का। ये देखिए फोटो सिग्नेचर, यहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है। फोटो 10 से 200 के भी होना चाहिए और 4 से 30 मैक्सिमम आपका होना चाहिए सिग्नेचर। तो इसको अपलोड करने के लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कैसे इस साइज में बनाना है फ़ोटो को, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का इसी रेंज में आपका ले रहा है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं अपलोड करने के बाद अपलोड यहाँ डॉक्यूमेंट यहाँ का सिंबल बन जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो ये आपका अपलोड हो चुका है, मतलब कि यहाँ हो चुका है, यहाँ आपका ये लिंक आ जाएगा। आप इसे खोल के चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा भर के आप प्रोसीड करेंगे फाइनल सबमिट की ओर। जैसे ही आप यहाँ फाइनल डॉक्यूमेंट्स में पहुँचेंगे जैसे फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट्स में, ये आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। आप इसे चेक कर लेंगे अपना थॉरली जी हाँ। उसके बाद कंफर्म आपका यहाँ पे आपका लास्ट में कंफर्म का कुछ पेज आएगा। माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल एजुकेशन, ये सारा डिटेल्स आपको चेक बॉक्स में चेक करने के बाद आप यहाँ फाइनल आई एग्री पे करके, मैं आपको दिखा दूँ, ये तभी ऑन होगा जब आप सारे टिक यहाँ कर देंगे, तब जाके आई एग्री भी यहाँ फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप इसे लास्ट पेज पर जरूर वेरीफाई कर लें, कोई डिटेल्स गलत तो नहीं, तभी आप भरें ताकि आपका कैंसिल ना हो ये एग्ज़ाम। ध्यान देना है लास्ट में आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए होगा। ये ईमेल वेरिफिकेशन आप जैसे ईमेल आईडी डालेंगे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद ये फाइनल, जब तक आप यहाँ पे क्लिक हेट गो होम इस तरह का नोटिफिकेशन आपको ना मिले, समझिए आपका कंप्लीट नहीं हुआ फॉर्म। तो ये ध्यान दीजिए, लास्ट में आप कन्फ्यूज ना करें कि सिर्फ सबमिट तक पहुँच के ख़त्म कर दें, तभी तक आपका फॉर्म नहीं फिलअप होगा। जैसे ही आप ये कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। इनकम्प्लीट अभी भी है एप्लीकेशन फॉर्म में, देख सकते हैं अभी तक आपका यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है फाइनल सबमिट सबमिशन। तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन जाने के बाद देख लीजिए फाइनल सबमिट, तो ये हो गया था। ये देखिए जब तक ये तीनों कंप्लीट ना दिखाई दे आपको, तभी तक आप कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा। ये तीनों कंप्लीट ग्रीन सिग्नल हो जाए, ये सारे टिक मार्क्स हो जाए, तब आप कंफर्म हो जाइए आपका फॉर्म फिलअप हो गया। वरना कई बच्चे आधा कंप्लीट करके ही उनको लगता है फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आप करेंगे, जैसे ही पेज आपका खुल जाएगा समझ जाइए आपका डिटेल सारा शो करेगा, ये आप इसे सेव कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो ऐसा ही आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही फॉर्म फिलअप की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।